अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकास और अपने चैनल कार तैयारी में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल का जो कंटेंट है वो कार रिव्यूज़, मॉडिफिकेशंस और प्रोजेक्ट्स के बारे में। आज आपके लिए हम जो लेके आए हैं वो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये टोयोटा एक्वा हाइब्रिड है और ये 2015 का मॉडल है। फुल स्पोर्टेज मॉडिफिकेशन इसके कंपनी की तरफ से ही है और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई करें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। टोयोटा एक्वा का हाइब्रिड का लोगो है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है इसकी जो शेप है वो बहुत इम्प्रेसिव है। उसके अलावा इसमें जो है ये साइड लिफ्ट बम्पर लिफ्ट लगी हुई हैं जैसे कि आपको ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा इसमें 15 के अलॉय रिम्स आते हैं, 15 के टायर्स आते हैं और 15 के अलॉय रिम्स आते हैं। और जब ये पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी तो इससे जनरल के टायरों के साथ लॉन्च किया। बहुत अच्छी और ह्यूज लाइट्स हैं। ये लाइट्स जो हैं प्रोजेक्शन के साथ और जेनन लाइट्स हैं। और इसका जो बम्पर है उसमें आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा इंडिकेटर भी दिया हुआ है और नीचे फॉग लाइट की जगह छोड़ी हुई है। होते हैं वो ज़्यादातर बोनट्स पे दिए जाते हैं, लेकिन ये गाड़ी जो है ये इसकी लुक्स की वजह से जो है इसका जो एयर ग्लास वॉशर्स हैं वो इसके यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेशन स्पोर्टिंग लेते हैं तो उसमें आपको ये साइड स्किट्स भी मिलती है, पूरी फुल बॉडी किट के साथ ये आती है और साइड इंडिकेटर के साथ आती है। वो आता है 1500 जो सिलेंडर होता है और ये गाड़ी का इंजन जो है बहुत अच्छा खराब हो गया है। फ्रंट जो लाइट है वो LED है, आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत है। ये हैचबैक कार्स हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी स्पेस है ट्रंक में। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा स्पेस गेन करना चाहते हैं तो आप इसकी सीट भी फोल्डेबल हैं इसकी सीट। इसके अलावा इसमें स्टेपनी और इसकी एसेसरीज रखने की जगह है। इसमें आप एक वक्त पे तकरीबन 4 से 5। अंदर जो है कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और 4 डोर्स के अंदर स्पीकर भी कंपनी की तरफ से इंस्टॉल है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत खूबसूरत से सीट कवर्स। कंफर्टेबल्स और ये दो इसके कप होल्डर्स यहाँ पे भी दिए गए हैं और सिग्नेशन गियर नॉक है इसका। है वो टोयोटा प्रियस और सेकेंड जनरेशन विड्स के साथ बहुत मिलता जुलता है। ये एयरबैग्स बहुत ही खूबसूरत लोगों के साथ दी गई हैं। इस कार में दोनों तरफ पैसेंजर और स्टेयरिंग पे ड्राइवर साइड पे एयरबैग्स इंस्टॉल है। Thank you.
इसमें टू मोड्स होते हैं, ईवी और इको। बेसिकली ईवी जो है उसका जो फंक्शन है वो ये होता है कि अगर 60 किलोमीटर से नीचे है तो कार बैटरी पे चलती है। इसी तरह इको जो है वो आप जो है अगर गाड़ी 60 से ऊपर है तो ऑटोमेटिक इंजन पे चलती है। आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही खूबसूरत सा डिजिटल स्पीडोमीटर है जिसमें इंजन की लाइट है, बैटरी का है और ये आपकी जो है फ्यूल एवरेज के बारे में भी बताता रहता है। मल्टीमीडिया बटन्स दिए गए हैं स्टीयरिंग के अंदर और यहाँ से आप इसके स्पीडोमीटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो है क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, लाइट एडजस्टेबल है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है। इसके एसी के जो हैं वो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल हैं, इसलिए इसका जो है अगर आप गाड़ी ऑफ भी हो बैटरी पर हो तब भी आप इसका एसी चला सकते हैं। इसके अंदर जो है फुल एलईडी डीएफटी पैनल दिया गया है, बहुत खूबसूरत ये इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। आप गाड़ी ऑफ है, इसके अलावा भी आप इसकी देख सकते हैं कि बहुत अच्छी, अगर आपको सुनाई दे रही हो बहुत अच्छी इसकी स्पीड है। कहें कि इसका जो है सन वाइज़र जो है उसके अंदर भी मिरर दिया गया है और इस तरफ भी मिरर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इजीली ऑल ओवर लुक कार बहुत खूबसूरत है और तीन हेडरेस्ट के साथ आती हैं सीट्स के साथ। इसमें सेंटर के अंदर जो है वो आर्मरेस्ट नहीं दिया, आप हेड स्पेस भी देख सकते हैं। मेरी हाइट है 5.8 इंच, इसके अलावा 6 इंच वाला भी आप देख सकते हैं कि इसका जो है सामने का व्यू बहुत सही है। इजीली आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, सामने का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। व्यू बहुत क्लियर है। जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे साथ मोहम्मद उस्मान है। इनका पहली बात तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। ये कार के ऑनर हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो इनसे पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में मालूम कुछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। उस्मान भाई पहले तो आप ये बताएँ कि आपको हमारे चैनल पर आगे कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। इसकी जो फ्यूल कटो अपना ऑयल और फिल्टर चेंज करवाते हैं कितने टाइम बाद करते हैं? मैं इसका ऑयल या फ्यूल जो है चेंज करवाते हैं, फिल्टर्स वगैरह जो भी है, मतलब तकरीबन 6 मंथ के बाद तकरीबन मैं चेंज करवाते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये सलमान भाई कि अच्छा ये हाइब्रिड गाड़ी है, ये लॉन्ग रूट के पहले इसका फ्यूल चेंज होता है या आम कार का होता है? क्योंकि ये हाइब्रिड है, मर्द के ज़्यादा टाइम ये चलती है, इसका फ्यूल जल्दी चेंज करना पड़ता है या देर से, या आम गाड़ी का जल्दी चेंज करना पड़ता है? आम गाड़ी का जल्दी चेंज करना पड़ेगा, इनकी तो इतना नहीं होता कि मतलब जल्दी चेंज करें इनका ऑयल्स वगैरह या कुछ भी। अच्छा, और इसके अलावा इसके मकैनिक का अगर कोई मकैनिकल कोई फॉल्ट हो जाए या इसकी बैटरी का या इसके मोटर्स वगैरह का कोई फॉल्ट हो जाए तो इसलिए अवेलेबल है? जी जी बिल्कुल अवेलेबल है। हम तो इस टाइम नवाक्षा में शायद ऑल ओवर पाकिस्तान में इसके जो हैं क्या कह सकते हैं आप मिस्त्री कह लें या आप अवेलेबल हैं? अच्छा सलमान भाई, आप इस गाड़ी का कंपैरिजन किस कार से करते हैं? जी इसका मैं कंपैरिजन करता हूँ, मैं ओला से कर लेता हूँ इसका कंपैरिजन। अच्छा, सेम ही है, सेम ही फीचर है इसमें। अच्छा, इसके फीचर्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को अगर बताना चाहेंगे इसमें और करोला में क्या फीचर्स है, इसमें क्या फीचर्स हैं, इसमें ऐड क्या फीचर्स हुए हैं करोला के बाद? इसमें फ्यूचर्स ये है कि अच्छा सुन भाई, इससे पहले आपके पास कौन सी कार थी? मेरे पास इससे पहले 1.8 थी। अच्छा, जो मतलब वो भी मैंने इस्तेमाल की है, मुझे उसमें भी बड़ा कंफर्टेबल हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने ये ली गाड़ी, इसमें दरअसल लेके मैंने इसमें ये बचत हुई है, मुझे फ्यूल की बड़ी इसमें बचत है हमारी। अच्छा, दूसरा जो है मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल नज़र आ रही गाड़ी है। अच्छा अच्छा, तो ये आपने किस बजट में कार ली है? जी मैंने ये 25 लाख। अच्छा, तो इससे पहले जो करोला आपके 1.8 थी जो आप कह रहे हैं एटलस, वो आपने कितने की ली थी? वो मैं ली थी 26। अच्छा, तो उस्मान भाई वजह क्या है कि आपने वो कार सेल करके ये गाड़ी ली है? ऐसी
ऐसी कोई खास वजह तो नहीं थी, बस क्या बैटरी हाइब्रिड की वजह से हाइब्रिड इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। जी 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 बिल्कुल, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी थी, इस वजह से मैंने गाड़ी चेंज की। दूसरा इसमें यह है कि काफ़ी मुझे इसमें अच्छा लगा गाड़ी लेकर, क्योंकि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा फीचर्स भी काफ़ी थे। जैपनीज कार है बाकी में, जैसे जापनीज कार है इसमें, और जैपनीज कार का अपना ही मज़ा होता है, कोरोला का अपना मज़ा है और जैपनीज कार का अलग से अपना मज़ा है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा सलमान भाई, इसके पार्ट्स के हवाले से, इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं? जी जी बिल्कुल मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं इसके पार्ट्स भी। अच्छा क्या कॉस्ट, मतलब इसके पार्ट्स महंगे हैं या सही हैं, या हर बंदा अफोर्डेबल है, या एक जो है हाई पर्सन इसको अफोर्डेबल अफोर्ड कर सकता है? खैर इतने एक्सपेंसिव तो नहीं होते पार्ट्स, तो नॉर्मली अफोर्ड कर सकते हैं लोग इसको अभी, इसके पार्ट्स और काफ़ी इजीली मिल जाते हैं पार्ट्स। अभी रिसेंटली मैं कराची गया था तो इसके मैंने पार्ट्स का पता किया। जी क्लास। अच्छा ये कौन सा वेरिएंट है, एस क्लास है या ये जी क्लास है? अच्छा जी क्लास वेरिएंट है। अच्छा इसका जो क्या कहते हैं लोकल जो वेरिएंट है उसकी क्या प्राइस है, आप जब गाड़ी लेने गए उसकी? जो है इससे कम में मिल जाती है वो, क्योंकि वो जो है ज़्यादा तकरीबन 18-20 लाख तक, शायद तकरीबन 20-21 लाख तक मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस गाड़ी के ऑनर से हम आपकी बात करा रहे थे मोहम्मद उस्मान के साथ। तो अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट, हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे भाई को ख़ास तौर पर जो है सब्सक्राइब करें, और इनका चैनल है जो कार से यारी। ठीक है सलमान भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती टाइम निकाला और हमें इस चीज़ की शूट का। आपको कैसी लगी हमारी रिव्यू और हमारा चैनल कैसा लगा, ये वो उसको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपको टाइम दिया। दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को बता रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। अब तो सलमान भाई उस्मान भाई ने भी कह दिया है, तो प्लीज़ हमें आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लव यू ऑल बडी, और सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाएँ, अपने आस पास के लोगों का ख्याल करें, और अगर गाड़ी लग जाती है तो पेशेंट्स को मुजाहरा करें। अपने दोस्त मोहम्मद वकास को इजाज़त दीजिए कार से यारी से। अल्लाह हाफ़िज़।